से सारे नवनिर्वाचित सदस्यों को हम बधाई देते हैं, और सबसे पहले तो सिक्किम के जितने भी वोटर्स हैं हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर एक बार इस सदन में सिक्किम और सिक्किम की जनता का बात को आगे रिप्रेजेंट करने के लिए मौका दिया है। जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये 18वीं लोकसभा ऐतिहासिक है, कि यह अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहे हैं, और ये 18वीं लोकसभा सिक्किम के लिए भी अत्यंत ऐतिहासिक है, ये बहुत स्पेशल है। 2025 साल में सिक्किम इस भारत का अभिन्न अंग, एक 22nd स्टेट के रूप में रहा, 50 साल पूरा हो रहा है, और हम SKM पार्टी और हमारे सरकार इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारे राज्य सिक्किम को स्वर्णिम और समृद्ध बनाने की कमिटमेंट लेके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 साल में NDA सरकार ने सिक्किम को हर सेक्टर में सहयोग किया है, सिक्किम के विकास के लिए बहुत सारे काम किया गया है। जो सिक्किम एक हिमालय राज्य है और वहाँ के रोड्स बहुत नैरो हुआ करता था, और सिक्किम में एक ही नेशनल हाईवे था जो कि सेवोक से लेके गैंगटोक तक 2 लेन वाला था, और आज भी वो सेवोक से लेके रामफू तक का जो NH10 का स्ट्रेच है इसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस है। तो हमने और हमारे सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट किया है कि इसको NH10 को कोई भी सेंट्रल एजेंसी, NHIDCL हो या कोई भी सेंट्रल एजेंसी में दिया जाए, क्योंकि बंगाल सरकार की तरफ से इस नेशनल हाईवे 10 को ठीक से मेंटेन ना करने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान सिक्किम को हो रहा है। और हमारा स्टेट एक ब्यूटीफुल स्टेट है, आप सब कहीं हम सदस्यों ने सिक्किम में टूरिज्म और घूमने के लिए आए होंगे, और लास्ट 10 ईयर्स में तो NDA सरकार बनने के बाद हमारे मंत्री लोग हर एक 3 महीने में, हर एक महीने में सिक्किम आ रहे हैं, और सिक्किम एक बहुत ही पीसफुल स्टेट है। जिन पीसफुल स्टेट को हम इसको मेंटेन करने के लिए सिक्किम सरकार ने हर काम किया है। लेकिन रोड की जब बात आती है, सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हिमालयन रीजन में, सिर्फ सिक्किम की ही बात नहीं, चाहे कोई भी हिमालयन रीजन हो, उस रीजन में टिपिकल इश्यूज रहते हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर 5 से 6 महीने तक तो मानसून चलता है, और मानसून के चलते वहाँ पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होता है कि रोड डिस्टर्ब होना वो ऑब्वियस है। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हिमालयन रीजन, नॉट ओनली सिक्किम बट एंटायर हिमालयन रीजन के लिए जो पॉलिसीज बनते हैं रोड्स में हो, और कोई भी पॉलिसीज में एक्सेप्शन रखनी चाहिए, और उसके लिए फंड्स और उसके लिए पॉलिसीज अलग से बनना चाहिए। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी पॉलिसीज बनते हैं उसके लिए हिमालयन रीजन के लिए स्पेशली अलग से अलग सा कमिटी बनना चाहिए, जिसमें कि हिमालयन रीजन का टिपिकल इश्यूज डिस्कस हो। जैसे कि भारत इस 2047 तक में विकसित होने का जो प्रारंभ किया है, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम भी सिक्किम से कुछ करना चाहते हैं। तो सिक्किम हमेशा से पीसफुल स्टेट रहा है, और पिछले दिनों में आपने देखा सभापति महोदय कि क्लाइमेट चेंज कितना विजिबल हो गया है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा किसी को अगर असर हो रहा है तो हिमालयन रीजन्स को हो रहा है, और हमने ग्रीनरी इतना ज़्यादा बना के रखे हैं सिक्किम में। आपको बता दूं सभापति महोदय, थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट, बहुत से माननीय सदस्य हैं, इतना बताना चाहूँगा, समय जितना है सभापति महोदय, आपको बता दूं कि मैं सेकंड टर्म का हूँ, और पहली बार इतना टाइम मिला है सभापति महोदय। ये एक पॉइंट मैं कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं कंक्लूड कर लूंगा। तो जितने भी हिमालयन, ये क्लाइमेट चेंज इतना विजिबल हो गया है, ये हीट वेव हुआ,
अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हो रहा है, ऐसा रेनफॉल हमने कभी देखा नहीं। और सिक्किम में लास्ट ईयर इतना बड़ा फ्लॉड हुआ जिसका हमें एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, और इसका रिपोर्ट हम पूरा बना के सरकार को दे भी चुके हैं और एनडीए सरकार हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं इसमें। धन्यवाद। तो हम इतना चाहते हैं कि सिक्किम के लिए भी और हिमालयन रीजन के लिए अलग सा पॉलिसी बनाने का, डिस्कशन बनाने का एक कमिटी बनाया जाए, जिस कमिटी में हमारा टिपिकल इश्यूज और इस डिलिमिटेशन के साथ हमारे वुमेन एम्पावरमेंट को भी आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ मैं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं दुनिया के सबसे बड़े